बड़ी खबर आ रही है, संयुक्त राष्ट्र महासभा में नेतन्याहू का विरोध किया गया है। कई प्रतिनिधि बैठक छोड़कर निकले। यूएनजीए में नेतन्याहू का बड़ा बयान, ईरान में ऐसी जगह नहीं जहां हम नहीं पहुंच सकते। यानी कि इजराइल और ईरान आमने सामने यहां पर होते दिखते हैं, इसे कैसे पैन आउट करते देख रहे हैं आप? आशीष, देखिए उस रीजन में संदीप जी निश्चित तौर पर एक ग्राउंड वॉर लाइक सिचुएशन है। लगातार जैसे लेबनन में अंदर घुसता जा रहा है इजराइल, उससे कई कंट्रीज, कई देशों ने अपनी चिंताएं जाहिर की थी। यहां तक कि फ्रांस ने यह भी मांग की थी, माफ कीजिएगा, फ्रांस और अमेरिका एक पीस डील को भी किसी तरह से वर्कआउट करने की कोशिश कर रहा था, इजराइल ने उसको भी इनकार कर दिया था। ईरान की हम बात करें तो ईरान की तरफ से ये मांग की गई थी इसी यूएनजीए सेशन के दौरान, एक प्रस्ताव लाया जाए और इसराइल से कहा जाए कि वो इस जंग को रोके। जब इस पर कोई सहमति नहीं बन पाई है, तो खुद मैंने अभी देखा कि जब वो एड्रेस कर रहे थे इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू, तो अपने हाथ में उन्होंने दो प्लेकार्ड्स लिए हुए थे। एक तरफ उन्होंने गाजा का जिक्र किया हुआ था, एक तरफ तो इसराइल। एशिया में देखें तो हालात थोड़े अस्थिर होते दिख रहे हैं, पोजिशनिंग भी यहाँ पर हो रही है। ABP News, आपको रखे आगे।